अगर आप इससे बीच पर मिलते हैं तो चिल्लाइए जितनी जोर से चिल्ला सकते हैं, क्योंकि ओशियन के अंदर बहुत सी अजीब स्पीसीज रहती हैं। कुछ बहुत सुंदर हैं, कुछ जानलेवा हैं और कुछ तो दोनों ही हैं। आप उनको कैसे पहचानोगे जिसे आप टच कर रहे हो? आपको बहुत तेज भागना पड़ेगा जितना आप भाग सकते हो। आप कैसे बच रहे हो इन चीज़ों से? इन चीज़ों के बीच आप कैसे स्विमिंग कर रहे हो या सन बाथ ले रहे हो? मैं इस वीडियो में 6 साइड आपको बताऊंगा कि सबसे खतरनाक सी क्रिएचर्स, समुद्री प्राणी जिनसे आप मिलने पर उनको कैसे पहचानोगे। नंबर 10, फायर कोरल। क्या आपको पता है कि स्कूबा डाइवर्स ग्लव्स क्यों पहनते हैं? तो वजह है फायर कोरल। ये छोटी जीप काट लेते हैं और इनका इफेक्ट इतना सीरियस होता है कि बॉडी की कई जगह पर दर्द होता है और वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जब आप अंडर वाटर होते हैं, स्कूबा ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो आपके पास जरूरी का सारा सामान होना चाहिए। आप पानी के अंदर कुछ ना चाहें, पानी के अंदर सुरक्षित रहें और कुछ ना छुएं। नंबर 9, फ्लावर अर्चिन। यह अर्चिन बहुत ज़्यादा सुंदर है पर उतना ही घातक है। इसके अंदर टॉक्सिक होता है जिससे एनाफिलेटिक शॉक कन्वर्जन हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे फेस पर और गले में स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी दिक्कत आती है, रक्त की कोशिकाएं खराब हो जाती हैं और इसके बाद सीधे डेथ हो जाती है। इस पर आप रास्ते में बिल्कुल भी कदम ना रखें, और अगर आपने समुद्र में हो तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको सुपर केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप ध्यान रखें कि आपका पैर कहाँ रखा गया है। कई लोग इस फ्लावर पर पैर रखने की वजह से नहीं मरते, बल्कि जब शरीर में जहर फैल जाता है तो बल्कि इससे दर्द होता है ना, तो पानी में डायरेक्शन भूल जाते हैं और डूब जाते हैं। नंबर 8, कोन स्नेल। यह लोग इतने पॉपुलर हैं कि लोग इन्हें कलेक्ट करते हैं, पर आप इनके सुंदरता पे मत जाइए। साइंटिस्ट ने बताया कि बस एक बूंद कोन स्नेल की काफ़ी है 20 लोगों को मारने के लिए। इस स्नेल को सिगरेट स्नेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके काटने के बाद इंसान के पास इतना टाइम तो होता है कि वह एक सिगरेट तो पी सकता है आराम से। नंबर 7, पोर्टिक्यूस मैन ऑफ वॉर। ये एनिमल तो वाकई में बहुत सुंदर है और लोग इसको जेलीफिश समझकर गलती कर देते हैं, इसलिए इसका नाम फॉल्स जेलीफिश रखा है। ये आपको ट्रॉपिकल इलाकों में मिल जाएगी जैसे पैसिफिक और इंडियन ओशन में। इस फिश का एक फैक्ट भी है कि इसको मैन ऑफ वॉर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये उस कॉलोनी में रहती हैं जहाँ के जीव आपस में कोऑपरेट करके रहते हैं। मैन ऑफ वॉर के टेंटिकल्स 3 फुट लंबे होते हैं जिससे मछलियों और छोटे जीवों को मार देती है, पर इंसानों के लिए खुशकिस्मत है ज़्यादा घातक नहीं है, पर उस जगह दर्द तो बहुत होता है। जब मैन ऑफ वॉर चली जाती है तो उसका जहरीला हिस्सा बीच पर पड़ा रहता कई दिनों तक, पर सावधान रहें क्योंकि वो हिस्सा आपको डंक मार सकता है। अगर आपको डंक मार दिया तो उस जगह ठंडी बर्फ लगाएं और डॉक्टर से मदद लें। नंबर 6, स्नी स्नेक्स। मेरा मतलब सी स्नेक्स, प्लूरल में इनको स्नी स्नेक्स कहा जाता है। इनकी पूरी प्रजाति बहुत ज़्यादा खतरनाक है जमीन पर रहने वालों से कंपेयर करें तो। यह जहरीले इस वजह से हैं क्योंकि इनको मछलियों का शिकार करना पसंद है। यह स्नेक्स अपनी जगह पर ही शिकार करते हैं। अच्छी खबर की बात यह है कि सी स्नेक ने काट लिया तो उसका एंटी वेनम आपको बचा लेगा, और स्नेक ऐसा भी स्नेक है जिसको आप नहीं मिलना चाहोगे। इसका नाम बिग स्नेक है। इसकी एक बूंद 3 लोगों की कहानी ख़त्म कर सकती है और इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ये जो बीच में स्नेक हैं ये सिर्फ गहरे पानी में मिलते हैं, ये आपको बीच में नहीं मिलेंगे। नंबर 5, लाइन फिश। वह फिश जो कभी सच ना बोले, ये हमेशा झूठ बोलती है। इसको लाइन फिश से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि दुनिया के सबसे सुंदर सी क्रिएचर्स में से ये एक है। ये मछली आपको कैरेबियन और ईस्टर्न अटलांटिक में मिलेगी। अगर आपको इसने काट लिया तो ये बहुत जानलेवा है। इसका दर्द इतना कठोर होता है कि मछुआरे के पैर पर इसने एक बार काट लिया था तो मछुआरे ने बताया था कि आपको अपने पैर को काटने की इच्छा होगी, इतना बुरा दर्द करती है। नंबर 4, क्रोनिक्स। इस जेलीफिश के दांत नहीं होते, यह किसी नरक की तरह है। अगर इसने डंक मार दिया है तो उस व्यक्ति के बहुत बुरा दर्द होगा और वह जगह सूज जाएगी पूरी तरह, और इससे हार्ट डिसीज का खतरा भी हो सकता है। उस व्यक्ति को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएं, नहीं तो वह मर भी सकता है। इसलिए इस क्रोनिक जेलीफिश को छुए नहीं, क्योंकि अगर बीच पर साइन लगा हुआ है तो उसे देख लें स्विमिंग करने से पहले।
3 सर्जन फिश। नहीं, ये मछली नहीं मारती है। सर्जन फिश नाम इसलिए रखा है क्योंकि इस फिश की टेल मतलब इसकी पूंछ तलवार जितनी तेज होती है, धार होती है, और किसी इंसान के हाथ को अलग कर सकती है, इसलिए कोई भी इसके नज़दीक आता है अगर आप इसे देख लें तो भागे नहीं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है। अगर आपने मेडिकल बिल नहीं दिया है तो सर्जन फिश गुस्सा हो सकती है शायद। 2 इंडोनेशियन नीडल फिश। यह फिश ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में रहती है, जैसे नाम से पता चल रहा है। इसकी चोंच पर बहुत ज़्यादा धार होती है लंबी तलवार की तरह, और जो मछुआरे इनकी वजह से घायल हो जाते हैं उनको अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। 1 ट्रिगर फिश। यह फिश ज़्यादातर फ्रेंडली होती है, पर तब नहीं जब आप इनके घोंसले के लिए परेशानी बनोगे। फीमेल फिश आप पर अटैक कर देगी जब कोई इनके घोंसले के साथ छेड़छाड़ करता है, ये आपको काट लेंगे। इनके दांत बहुत ज़्यादा पैने होते हैं। ये जहरीली तो नहीं है पर मेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये स्कूबा ड्राइवर्स के लिए काफ़ी ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि स्कूबा ड्राइवर्स गलती से भी इनके घोंसले के पास चले जाएँ तो वह घायल हो जाते हैं। आप इस वीडियो को उन फ्रेंड्स को भेजो जो वेकेशन पर घूमने जा रहे हैं, ताकि वे भी सावधान रह सकें। थैंक्स।